हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट आनी तो अभी बाकी है, लेकिन बावजूद इसके पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा क्षेत्र का नाम भी फाइनल करते हुए खुद के चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज जींद पहुंचे थे, जहां उन्होंने रोहतक सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। दीपेंद्र ने कहा कि किसी के मन में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, मैं रोहतक से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं रोहतक से ही कांग्रेस की टिकट पर चुनाव भी लड़ूंगा और जनता के आशीर्वाद से जीत भी होगी। ऐसा है, मैं लोगों को प्राथमिकता दूंगा, मैंने हमेशा लोगों को ही प्राथमिकता दी है और मैं समझता हूँ कि रोहतक के लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, तो मैं अवश्य लड़ूंगा और मैं जो है इसमें कोई कभी कोई संशय नहीं रहा। अलग अलग तरीके की बातें, कभी कोई मेरा कोई दुर्विरोधी जो है वो तो ये कह सकता है, लेकिन कभी एक क्षण के लिए भी इस प्रश्न के उत्तर के लिए मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं। निश्चित तौर से ना सिर्फ रोहतक लोकसभा चुनाव सीट से मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, मगर लोगों के आशीर्वाद से मुझे विश्वास है रोहतक में लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगी और वहां की जीत हरियाणा की अगली सरकार की नींव भी रखने का काम करेगी। दरअसल हरियाणा की सभी 10 सीटों में इकलौती रोहतक सीट ही है, जहां महज 7,000 वोटरों के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हार हुई थी। हालांकि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में दीपेंद्र की हार को लेकर भाजपा पर वोटों की धांधली करने का आरोप भी लगाया गया था, लेकिन अब की बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी जीत को लेकर पूरा आश्वस्त हैं। बता दें कि कांग्रेस की ओर से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और वो जमीन पर उतर कर मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन रोहतक सीट को लेकर भाजपा में जबरदस्त मंथन चल रहा है, क्योंकि चर्चाएं हैं कि अब की बार मौजूदा सांसद अरविंद शर्मा का टिकट काटकर किसी नए चेहरे पर भाजपा दाव लगा सकती है। जींद से विजेंदर सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।